हेलो फार्मा एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स, वे आर फार्मेसी मेकिंग इजी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों की कंटिन्यूअस फार्मा अपडेट्स की सीरीज चल रही थी, उसी कंटिन्यूएशन में एक और नई वीडियो आई है। जी हाँ, आईसीएमआर फंडेड एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। पीजीआई चंडीगढ़ में ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है, तो आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं आपको, फार्मा माइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटिन्यूअसली फार्मा कम्युनिटी को ग्रो करने में बिलीव करता है। यहाँ पर इसीलिए प्रिपरेशन के लिए एक एम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चालू किया है, जिसके लिए आपको फार्मा माइंस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। बैच सेक्शन में जाके प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और AIM 2024, वहां पर हम बैच कोड ऐड करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, आप हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट बन जाएंगे, जिससे आप हमारे टेस्ट को फ्री एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर करके फ्री ई नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जीपैट संकल्प का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें 500+ लाइव लेक्चर, 15,000+ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। और संकल्प 2.0 2 ईयर कंप्लीट जीपैट प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको ई नोट्स एंड हार्ड कॉपी, 700+ लाइव लेक्चर, 20,000+ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, 1-on-1 स्ट्रेटजी, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, जो भी नोट्स बनाए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए हैं। जीपैट नाइपर क्वालिफाइड फैकल्टीज है, सारा कुछ मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है एट बेस्ट क्वालिटी। और हमारे जो 1 ईयर जीपैट प्रोग्राम का प्राइस होता है वो 6,000 होता है, वहीं अदर कोचिंग कंपेरिजन करे जाए तो 8,000 to 10,000 चार्ज करते हैं। फॉर 2 ईयर जीपैट कोर्स हमारा 10,000 चार्ज होता है, वहीं अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट हम देखेंगे तो 16,000 to 18,000 चार्जेस पर वो चार्ज करते हैं। सो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग है विद बेस्ट क्वालिटी, नाइपर क्वालिफाइड फैकल्टीज है। सो एक नाइपर एल्यूमिनाई से पढ़ना, फ्रॉम नाइपर तक का सफर जो होता है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि कैसे स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे क्या प्लानिंग करनी होती है। सो एक बार जरूर फार्मा माइंड्स के ऐप को विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल है, आप उस पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ये हमारे जीपर 2022 के रिजल्ट्स हैं, जीपर 2023 के रिजल्ट्स हैं, एंड कंटिन्यूअसली हम क्वालिटी ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस करने में बिलीव करते हैं एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। सो आइए देखते हैं कैसा क्या अपडेट है। सारे फार्मा रिलेटेड एग्जाम, सारे फार्मा रिलेटेड वैकेंसीज अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सो डू सब्सक्राइब दी फार्मा माइंड्स चैनल। सो यहाँ पर हम देखेंगे, ये पीजीआई चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ हम रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे ये फोर्थ पॉइंट, जो वैकेंसी नोटिस फॉर वेरियस प्रोजेक्ट रिसर्च पोस्ट फॉर आईसीएमआर प्रोजेक्ट इन द डिवीजन ऑफ नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स, इसको हम ओपन करेंगे। फिर टाइटल फाइल में हम क्लिक हियर फॉर वैकेंसी डिटेल करेंगे। सो यहाँ पर एक नोटिस खुल कर आता है। सो इसमें सारा कुछ अपडेट दिया हुआ है कि कितनी क्या वैकेंसीज हैं, कैसे क्या चीजें होनी है, किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने जा रही है, प्रोजेक्ट की डिटेल, क्या प्रोजेक्ट है, क्या टारगेट होने वाला है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगा। सो यहाँ पर ये नोटिस आया हुआ है 30 मई का। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोजीशन अवेलेबल अंडर एन आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट टाइटल कंपेरिजन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल सेप्टिक शॉक। सो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होने वाला है, ये आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर हम देखेंगे वैकेंसी आई हुई है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो यहाँ पे जो हमारा क्वालिफिकेशन माना गया है, बी फार्म विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एम फार्म आर ऑल्सो एलिजिबल। सो यहाँ पर बी फार्म और एम फार्म बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। सो 35 ईयर्स यहाँ पर हमारा एज लिमिट होने वाला है। और जो पे रहेगा वो एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन रहेगा, एज सच कोई अलाउंस या डीए वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेवल एक्सपेंसेस कुछ नहीं मिलेगा। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 6 जून 5 PM तक एप्लीकेशन को भर सकते हैं, और यहाँ पर दिए हुए एड्रेस पे इन्हें हार्ड कॉपीज को हमें पोस्ट करना होगा। सो बेसिकली ये अपडेट निकल कर आया था। और यहाँ पर एक पॉइंट हमें जो ध्यान रखना होगा कि हमें स्पीड पोस्ट कम से कम 1 से 2 दिन पहले करना होगा, क्योंकि जो भी पोस्ट, जो भी एप्लीकेशन 6 जून 5 PM के बाद यदि वहां पर रिसीव होंगी, उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। और एज पर दिस नोटिस, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड डिग्री। सो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, और फिर उसके बाद इंटरव्यू अलाइन होंगे। सो
इन केस यदि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं तो पहले एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू अलाइन होंगे। सो यहाँ पर जो हम एक टेंटेटिव डेट देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट की, यहाँ 10 जून दी हुई है, और जो इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो 8 जून दी हुई है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, नो TA/DA विल बी पेड टू अटेंड द इंटरव्यू, एज सच कोई पे नहीं होने वाला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी आई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। सो ये सारा कुछ अपडेट था जी हाँ, PGI चंडीगढ़ की तरफ से। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद फार्मा माइंड्स। थैंक यू सो मच।